काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है, ये कैसी भाषा है भाई? तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है, और चौंक जाएंगे आप, कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने दो दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। दशकों दशक के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे रखा। पहले की सरकारों ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया, यहां के नौजवानों से उनका भविष्य छीना, लेकिन आज जब यूपी बदल रहा है, जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है, और चौंक जाएंगे आप, कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है, ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने दो दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है, अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का पान कोई नहीं भूलेगा। साथियों, गौर परिवारवादियों की यही असलियत होती है। परिवारवादी युवा हमेशा परिवारवादी युवा शक्ति से डरते हैं, युवा टैलेंट से डरते हैं। उनको लगता है कि सामान्य युवा को अवसर मिला तो वो हर जगह चुनौती देगा। इनको वही लोग पसंद आते हैं जो उनकी दिन रात जय जयकार करते रहे। आजकल तो इनके गुस्से का, इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है, इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप देखिए, अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। भाइयों और बहनों, ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं, और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो, यहां
इंडी गठबंधन के पैंतरा ना चली, बनारस नहीं पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, आज पूरे देश का एक ही मूड है, अब की बार मोदी की गारंटी है हर लाभार्थी को 100% लाभ। मोदी लाभार्थियों के सेचुरेशन की गारंटी दे रहा है, तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। भाइयों और बहनों, मोदी का तीसरा कार्यकाल पूरी दुनिया में भारत के सामर्थ्य का सबसे प्रखंड कालखंड होने वाला है, सबसे प्रखर कालखंड होने वाला है। इसमें भारत का आर्थिक, सामाजिक, सामरिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र नई बुलंदी पर होगा। बीते 10 वर्षों में भारत 11वें नंबर से ऊपर उठकर 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना। आने वाले 5 वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। बीते 10 वर्षों में आप देश में देख रहे हैं कि सब कुछ डिजिटल हो गया है। आज आप चारों तरफ 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन की चौड़ी चौड़ी सड़कें देख रहे हैं, रेलवे स्टेशनों को आधुनिक होते देख रहे हैं,